तो जैसे आप शेल्टर के अंदर एंटर कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको जो लॉक बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा। वैसे एक ही नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे शेल्टर के अंदर बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो कहीं जा चुके हो वड़कने वीडियो के साथ। तो आज के इस वाले वीडियो में आप लोग को एडेंगल 2.0 के अंदर जो शेल्टर है उसका पूरा ओवरव्यू यानी कि न्यू लुक उसको आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस अब हम आ चुके शेल्टर के अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है देखने में। तो गाइस वैसे तो शेल्टर के अंदर जो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सो शेल्टर का जो लुक है उसको मतलब कि पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सो पहले के मुकाबले तो भाई मस्त लग रहा है देख सकते हो। तो उसका जो साइड का जो एरिया है मैं आप लोग को सामने जाके दिखा है, तो जैसे कि आप लोग देख सो साइड का जो एरिया है उसको पत्थर वगैरह को मतलब कि बहुत ही बड़ा दिया गया है, जो कि पहले उतना ज़्यादा नहीं था। तो चलिए अब मैं आप लोग को शेल्टर के अंदर जाके दिखा दूँ कि वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। तो जैसे आप शेल्टर के सामने की तरफ आओगे उसका जो लुक है पूरी तरीके से मतलब कि उसको चेंज कर दिया गया। अगर आप 19 के अपडेट पे खेलते हो तो शेल्टर का जो साइड का एरिया है वो पूरा आपको ग्रीन देखने को मिलता था, लेकिन अब जो उसको पूरा चेंज कर दिया गया और सीढ़िया आप लोग देख सो भाई क्या ही मस्त लग रहा है देखने में। तो आप चलिए चलते अब अलीबाबा के गुफा पर, तो खुल जा सिम। तो चलिए चलते अलीबाबा के गुफा पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो फटाफट से नीचे चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जैसे आप शेल्टर के नीचे की तरफ एकदम एंटर करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारे बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा, जो कि शायद पहले नहीं था, और बॉक्स का जो कलर क्वालिटी है उनको बढ़ा दिया गया। और वैसे बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि आगे जाके मैं आप लोग को बताता हूँ। और ऊपर आप लोग देख सकते हो आपको जो बल्ब वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले था या फिर नहीं था मैंने उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया 19 के अपडेट के अंदर। तो जैसे आप शेल्टर के अंदर एंटर कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको जो लॉक बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा। वैसे एक ही नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे शेल्टर के अंदर बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पबजी चाहता है कि आपको पता होगा कि शेल्टर के अंदर कोई भी एनिमी या फिर कोई भी स्क्वाड अगर आपके ऊपर रश करता है या फिर अगर आप किसी भी एनिमी के ऊपर रश करते हो तो उसको जो डिफेंड करने के लिए कोई भी कबड़ या फिर कुछ भी तो चाहिए। तो इसके लिए जो है वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस वहाँ पर मतलब कि इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इससे जो है किसी भी एनिमी या फिर अगर आप भी इसके अंदर किसी भी स्कॉट के ऊपर रश करते हो तो वो जो किसी भी कबर के पीछे छुपकर आपके साथ डिफेंड कर सकता है, मतलब कि फाइट ले सकता है। और आप लोग देख सो साइड का जो एरिया है वहाँ पर क्रॉस रेलिंग लगा दिया, जिससे आप टिप्स एंड ट्रिक वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग देख सो मैं जंप कर रहा हूँ साइड की तरफ, वो भाई टिप्स एंड ट्रिक बन गया। तो देखते हैं सामने चढ़ पाते हैं या फिर नहीं, तो भाई ऊपर जाते हैं आप गिर जाओगे कोई नहीं। तो देख सकते हो भाई इसके अंदर आप वैसे ऐसे ही फन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो वैसे आप इसके ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को इसके अंदर जाके और भी सामने जाके दिखाया था कि वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो जैसे आप शेल्टर के और भी सामने की तरफ एंटर करोगे तो आपको हर एक मतलब कि शेल्टर के अंदर बहुत सारे हर एक लोकेशन के अंदर आपको बल्ब देखने को मिल जाए, और किस वो जो बल्ब है वो आपको जला हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में कहा कि भाई जो एडेंगल 2.0 आएगा, एडेंगल 2.0 के अंदर बहुत सारे भाई नए नए फीचर देखने को मिलेगा। और आप लोग देख सकते हो शेल्टर का जो एरिया है उसके अंदर आपको सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएगा। वैसे शेल्टर है यानी कि गुफा है, गुफा ना गिरे इसके वजह से आपको जो मतलब कि ऊपर सीढ़ियों से उनको कवर है। वैसे आपको पता ही होगा कि गुफा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो भाई देख सो यहाँ पर हम बाहर निकल सकते हैं इसके अंदर से। वैसे हमें अभी बाहर नहीं निकलना है, हमें और भी चीज़ें देखना है कि अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो देखते हैं सामने जाकर क्या क्या चेंजेस हुआ है वहाँ पर। तो गाइस वैसे उतना ज़्यादा तो चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन उसका जो साइड का कलर मतलब कि नीचे का जो कलर है वो आपको ग्रीन देखने को मिल जाएगा, और ऊपर का जो कलर है वो आपको वाइट देखने को मिलेगा, जो कि पहले था या फिर नहीं था मुझे पता नहीं। तो गाइस कलर जो है मतलब कि आपको जब भी आप पबजी मोबाइल एडेंगल 2.0 को खेलोगे तो आपको रियलिस्टिक वाला फीलिंग आए, इसके वजह से पबजी हर तरीके से चाह रहा है कि उस गेम को जो है रियलिस्टिक बनाने के लिए। वैसे गेम के अंदर जो भी कैरेक्टर है, जो भी गाड़ी है, वो हमें सब जो है हमें रियलिस्टिक देखने को मिलता है, जो कि हम जिससे रियल लाइफ में जो भी गन्स देखने को मिलते हैं, जो भी गाड़ियाँ देखने को मिलते हैं, सबके सब जो है वो सेम टू सेम उसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो पबजी हर तरीके से चाहते हैं कि इस गेम को रियलिस्टिक बनाने के लिए, तो यही है वजह कि सब कुछ चेंज किया गया है।
और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है शेल्टर के अंदर। जो भी मेजर चेंजेस हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, तो जैसे इडेंगल 2.0 आ जाएगा तब जैसे आप खेलते जाओगे तो आपको पता चलते जाएगा। अगर गाइस आपको किसी भी दूसरे लोकेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करना, मैं उस लोकेशन के ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता ही आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हो और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।